कांग्रेस के युवा नेता तथा राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सचिन अपने पिता राजेश पायलट के अचानक निधन के बाद राजनीति में आए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी सहरा से लव मैरिज की थी। सचिन तथा सहरा की लव स्टोरी तो आपने खूब पढ़ी और सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सहरा की कमाई सचिन से ज़्यादा है। आपको बता दें कि सचिन और सहरा पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई थी जो कुछ समय से प्यार में बदल गई थी। करीब 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया था, लेकिन दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। हालांकि सचिन ने बाद में अपने घर वालों को मना लिया था, फिर सहरा ने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ सचिन से शादी कर ली थी। तब इस शादी में अब्दुल्ला परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब सचिन मनमोहन सरकार में मंत्री बने तो फिर अब्दुल्ला परिवार ने उन्हें दामाद स्वीकार कर लिया। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने एफिडेविट में अपनी संपत्ति 5 करोड़ घोषित की थी। इस हलफनामे के मुताबिक सचिन पायलट की आमदनी पत्नी सहरा से काफ़ी कम है। उन्होंने अपनी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये बताई थी, जबकि उनकी पत्नी सहरा सोशल वर्क से सालाना 19 लाख रुपये कमा रही हैं। सचिन पायलट जहां पूरी तरह से राजनीति में बिजी रहते हैं, वहीं उनकी पत्नी परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। आपको बता दें कि सहरा सोशल वर्कर साथ सहरा योगा ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी उनके नाम से चल रहा है, जहां 1000 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में आते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।